नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। भूख से उठा पेट दर्द, इलाज के अभाव में हो गई 12 वर्षीय राकेश की मौत। जी हां, आपको बता दें कि ये मामला बांका जिले का है। दिल दहला देने वाली घटना बांका जिले के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत लोडिया खुर्द पंचायत के दुबराजपुर गांव का है, जहां कल शाम महावीर लया के 12 वर्षीय नाती राकेश को पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद उसे उसके नानी और मामा ने पंजवारा स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लाया, जहां ना तो डॉक्टर थे और ना ही नर्स। फिर भी उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। कोरोना संक्रमण के कारण इतने कम डॉक्टर के भरोसे पूरे प्रखंड में समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि वहीं तथा इलाके में भयंकर स्थिति बनती जा रही है। हालांकि बच्चे के परिजन ने उसके लिए मेडिकल हॉल वाले से कहे के पेट दर्द की गोली ले ली और घर चले गए। इसके बाद घर जाने पर भी बालक रात भर पेट दर्द से बेचैन रहा और अगले सुबह 7 बजे उसकी मौत हो गई। क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था, कोई हाई प्रोफाइल नहीं, फिर भी प्रशासन ने अपना काम किया और पंजवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिनेश भगत पुनः जानकारी के बाद लया टोली दुबराजपुर पहुँचे तथा बच्चे के मृत शरीर का मुआयना करने के बाद उसका दाह संस्कार करने की सलाह देकर लौट आए। हालांकि इस बाबत हमारे संवाददाता ने जब चिकित्सक दिनेश भगत से बात की तो उन्होंने कहा कि काम काफ़ी प्रेशर होने की वजह से कोई जगह पर समय पहुंचना नहीं हो पा रहा था। इस बच्चे के पेट दर्द होने की शिकायत उन्हें करीबन रात 10 बजे मिली और रात्रि में गाँव जाना टीम के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने सुबह कुछ किया। हालांकि पूछने पर उन्होंने बताया कि मृत्यु पेट दर्द से हुई तथा बच्चा भूख के कारण गांव में स्थित चीर नदी में भी गया था, जहां लॉकडाउन के दौरान आजकल जमकर भीड़ लगती है। आसपास की बस्तियों के गरीब तबकों का जवाबाड़ा लगता है, जो भोजन के लिए मछलियों को पकड़ते हैं। उन लोगों पर भी प्रशासन को नकेल कसना चाहिए। बांका से आनंद झा की रिपोर्ट। नमस्कार सर। सर, वो जो दुबराजपुर में 11 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है राकेश कुमार की, उसकी सूचना आपको मिली थी पहले? जी, मिली थी। अच्छा, तो शाम 10 बजे के आसपास फ़ोन किया गया। मौत उसकी 7 बजे सुबह में हुई थी, 11 वर्ष के बच्चे थे। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ गया, मुआयना किया तो पता चला कि रात में पेट दर्द काफ़ी हुई थी, जिससे उसकी सुबह 7 बजे मौत हो गई। वो पहले उससे पहले उसने कहीं तालाब या मछली वगैरह मारने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, चीर नदी में। चीर नदी में आज भी काफ़ी देखे भीड़ लगा हुआ था चीर नदी में, मछली मार, पानी कम हो रहा है इसके लेके। ये सब फिलहाल अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रही है, एक से दूसरे के फैलने की चांसेस भी ज़्यादा रहती है। लोगों को डिस्टेंस का मेंटेन करना चाहिए और जहाँ भी हम लोग जाते हैं या प्रशासन हमारे जाते हैं, नर्स जाती है, डॉक्टर जाते हैं, जिनकी टीम जाती है, तो जनता से ये अपील करेंगे हम लोग को कोऑपरेट करें, मरीजों को छुपाएं। ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है हाल फिलहाल, मतलब कुछ लोग छुपा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, बताने नहीं चाहते हैं कि कोई लोग बाहर से आए हुए हैं या किसी को कोई समस्या है घर में, पता नहीं कि उन लोगों को डर लग रहा है, जबकि हम लोग उसको ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं, उसकी भलाई के लिए जा रहे हैं कि उसको अस्पताल से जोड़ा जाए, कोई समस्या है उसको निदान किया जाए, निदान करना ही उसका सलूशन है। नहीं तो समाज में इस तरह की समस्या फैलेगी तो सारे लोगों को दिक्कत होगी, समाज को दिक्कत होगी, मुझे जी सभी संक्रमित हो जाएंगे, सभी लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो सर, ये बढ़त में जो केस था तो उसके संदर्भ में उनका ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली का था, उम्र उनका क्या था जिनकी मृत्यु हुई? पेशेंट जो मरे 55 साल के बताए जा रहे थे। 55 साल के जी, जी। लेकिन उनका किसी प्रकार का जांच नहीं हो पाई, क्योंकि मतलब बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। गाँव में मैंने गया, उनके बेटे से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि उन्हें पैरालिसिस से समस्या थी और उसकी डेथ हो गई है, रात में मैंने उन्हें दाह संस्कार कर दिया, उसका दफना दिया गया। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद। मैंने पता करने की कोशिश की कि कहीं कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं तो सब ने इनवाइट कर दिया कि नहीं, यहाँ से यहाँ बाहर से कोई लोग नहीं आए हुए हैं। सर, विशेष अपील कुछ आप करना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? यही कहेंगे अपील कि लोग कोऑपरेट करें हम लोगों को, जहाँ भी जा रहे हैं डॉक्टर की टीम हो, प्रशासन की टीम हो, या जिस तरह की सर्वेक्षण की टीम जा रही है आपके यहाँ, तो कोऑपरेट किया जाए उनको, ना कि उनको समस्या क्रिएट किया जाए। ये मतलब जनता के सुविधा के लिए ये किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जनता की सुविधा है, सबकी सुविधा इसमें है।
ठीक है सर, धन्यवाद।